सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग सबको, नमस्कार, प्रणाम। मैं जो है 9 दिवसीय श्री राम महायज्ञ में आया हुआ हूँ और जो है 9 दिन का आपको कार्यक्रम दिखाऊंगा। इधर है हमारा यज्ञशाला और मंदिर, देख सकते हैं चमेली का फूल, देखिए आप लोग चमेली का तेल लगाते हैं, फूल है बहुत जोरदार महक रहा है। मंदिर है गाइस, बहुत प्राचीन है, समझ रहे हैं ना, बहुत प्राचीन मंदिर है। और ये देखिए, ये जो है एक ही पत्थर का है पूरा, यहाँ वहाँ से जो ये देख रहे हैं ना, पूरा पत्थर जो है, ये तो पूरे पत्थर लगे हुए हैं, ये अलग अलग दीवार भी पूरे पत्थर की है। ये पहले बहुत प्राचीन में जो है कला करके वो लोग बनाए हुए थे, अब तो ये नए में कुछ हुआ नहीं है उसमें भी। देखिए ये देखिए, ये जो है ना, ये वैसे ही है कि बस पत्थर रखा हुआ है, ज्यादा ज्वाइंट पॉइंट कुछ नहीं है इसमें। ये सब प्राचीन मंदिर थे, बनाते थे श्री राम जी के, सेना इधर बैठे हुए हैं भक्तराज। ये है यज्ञशाला, मंत्र उच्चारण हो रहा है, उधर भजन भजन चल रहा है आगे, और इधर संकीर्तन चल रहा है 9 डे का लगातार कंटिन्यू। ये हनुमान जी हमारे, और इधर छोटे वाले हनुमान जी, 2 मूर्तियां हैं, ये पंडा जी, स्टार्ट है इधर, लोगों को दिखाते हैं, चलते हैं आगे। सब व्यवस्था, पानी पीने के लिए टंकी, देखिए दुकान लग रही है नारियल के लिए। ये किसाना, यहाँ पंडित जी लोग बैठे हुए अंदर, चाय पी रहे हैं, और ये 100 वर्ष से ऊपर भी हो गए, 100 साल से ऊपर चाय पी रहे थे, बैठे हुए हैं, तो चाय पीते हैं, हम भी चाय पियेंगे। और उधर चल रहा है भजन, आप लोगों को दिखाते हैं, आज प्रवचन स्टार्ट भी हो जाएगा आज से, जा रहे हैं नीचे। और जो है ये देखिए झंडा हमारा, जो है बड़ा वाला झंडा है यज्ञ वाला, और इसका जो चौड़ाई है, जो बांस जिसमें डालते हैं वो वाला कम हो गया है, 4-5 अंगूर बोले हैं करवाने के लिए, और झंडा डालेंगे इसमें ना हो भाई, एक काम करें। हाँ, पूरा बांस, और इतना बड़ा है झंडा, आ भी नहीं रहा कमरे में। हेलो गाइस, यज्ञ का यज्ञ का झंडा लगता हुआ गाइस, सात कलर का झंडा गाइस, उन्होंने झंडा काट दिया, मंदिर बन चुके हैं, ऊपर चढ़ गए, छत के ऊपर चले गए, ओ झंडा है के ऊपर। गाइस ये बंदर जो है बांध रहा है
झंडा चढ़ के ऊपर मठाधीश है यहाँ के गाइस का नाम भैया ओम प्रकाश दीवाना झंडा गाइस। ये देखिए हनुमान मंदिर के जो सेवक हैं पंडित जी के परम भक्त आ रहे हैं। आ गए हनुमान जी के परम वहाँ 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 जो वहाँ जो नहीं पड़ा लू पंडानंद महाराज आएगा ना। हाँ हाँ आएगा ना। देख पुले हम कौन है। हाँ हाँ देख लीजिए देख लीजिए परमानंद पटक दे ही है यार। वो फिल्म का नाम बजन है से ऐसे कौन रहला एक कॉमेडियन है कनवा में ऐसे लगा ला घंटी बजा ला अक्षय कुमार का वुमन देखा है डंडा में लगा घूमत हन फूल जो माई लाल सिंदूर पोती ले ला। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा वो फिल्म है जिसमें वो कान में लगा के और पूरा लाल करके सिंदूर से और घूमता रहता है। क्या तो नाम है उसका भूल गए जो बटला सा है छोटा सा कॉमेडियन समझ रहे गाइस बताइएगा। ये भी वही है समझ रहे ना गाइस। अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं समोसा खाने। थोड़ा सा भूख भूख लगा है तो समोसा खाएंगे। रामू सिंह इधर देख नहीं रहे हैं पानी की टंकी हम लोग जा रहे हैं समोसा खाने। देखिए गाइस कितना साफ और फ्रेश पानी है। इसमें जो है नहाने का बहुत मन हो रहा है लेकिन आज नहा चुके हैं कल जो है नहाएंगे इसमें। देखिए ये सब भगवनवा इसको बोलते हैं बाघ। पहले यहाँ पे शेर वेर चीता उता रहते थे इसमें अंदर जो है इसको भगवनवा बोलते हैं यहाँ पे। और हम लोग जा रहे हैं अब देखिए जो है मंदिर एमपी में है और इधर देखिए नाले के उस पार परेवा नाला है उसके पार यूपी। चलते हैं अब समोसा खाने। तो गाइस कहाँ से कहाँ आ गए हम लोग समोसा खाने के लिए। 10-12 किलोमीटर से दौड़ रहे हैं। बरौरी गए थे यूपी में फिर इधर आ गए देवरा भी नहीं मिला। आप जा रहे हैं लमसरई यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर है 10-15 किलोमीटर का रेंज बताइए समोसा खाने के लिए। ठीक है गाइस बकरी जो है घूम रही है रोड पे बताइए जिंदगी ले लेंगे ये लोग। फोन आ रहा है गाइस बात करते हैं। फाइनली गाइस समोसा मिल चुका है टारगेट कंप्लीट हो गया। टारगेट की तरफ ध्यान समोसे की तरफ। समोसा छोला आ चुका है ये छोला समोसा इधर तो चालू ज्यादा फिर लगा खाते हैं टेस्ट बताते हैं। अच्छा है ना नमक ज्यादा है ना मिर्चा ज्यादा है। अच्छा है जलेबी भी आ चुकी है जलेबी भी खाएंगे अभी। अच्छा है बिल्ली जा रही है सिलेंडर फिर लेने आए हैं दूसरा सिलेंडर लेके जा रहे हैं वहाँ पर ये खाली है अभी भरवाएंगे। भरवाने के बाद फिर चूल्हा लेंगे फिर इसके बाद जाएंगे। ये है आंवला गाइस गलसन के दिखा अचार बनेगा किलो बा हो 30 रुपया पहुँचा दे बहुत पहले जो हमको बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं वो जानते होंगे। ये देखिए टीवी है उसी में घुस के पीछे से हालत कर चूल्हा सेट करो गाइस। वो बोले रख दे सिलेंडर वो
वहाँ पे देख के चल रहा है प्रवचन। हाँ, अभी प्रवचन का जो है स्टार्ट हो रहा है, टेस्टिंग स्टार्ट है। उधर आर्गन आर्गन रखा हुआ है, सब माइक वाइक लग रहा है। ये है दरमैन डीजे गाइस। माइक्रोफोन टेस्टिंग चल रही है। देखिए मंच जो है स्टार्ट हो चुका है, अभी टेस्टिंग चल रही है। महाराज जी आए नहीं है अभी और टेस्ट कर रहे हैं सब। तबला वबला ढोल आर्गन वर्गन सब टेस्ट कर रहे हैं। डीजल लेते क्योंकि प्रवचन बंद हो चुका है, लाइट कट गई है, जनरेटर में डीजल है नहीं और डीजल लेके जा रहे हैं। देखिए डीजल 2000 का डीजल ले जा रहे हैं, जाके भरेंगे, इसके बाद स्टार्ट होगा। तब तक मिलते हैं गाइस, ओके बाय। गाइस लाइट कट गई है, प्रवचन सुनने वाले सुन रहे हैं। गाइस देखिए आरती स्टार्ट है और ये है हनुमान जी, सबका आरती हो रही है। इधर कीर्तन स्टार्ट है, ये है गौशाला। तो सब लोग को जय श्री राम, आरती स्टार्ट है, आप लोग भी आरती आरती कीजिए और आनंद लीजिए। और इधर सीताराम और कीर्तन चालू है, 9 दिवसीय अखंड, समझ रहे ना गाइस, उसका भी आनंद लीजिए। इधर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को।
नौ दिवसीय यज्ञ तो चल ही रहा है। पूजा की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं जो भी मनाते हैं, मैं तो मानता ही हूँ। आज का ब्लॉग जो है यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन। तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, फॉलो भी कर लीजिए फेसबुक पे।